माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सृजनात्मक प्रतियोगिता का हुआ समापन। प्रत्येक कार्यक्रम से विद्यार्थी मंत्री देवनानी ने पुरस्कार देकर बढ़ाया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 3 दिवसीय सृजनात्मक प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने प्रतियोगिता में अवर रहे विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता के समापन पर विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा, जहां विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय जो सृजनात्मक गतिविधियाँ हैं वह पिछले 3 दिन से यहाँ चल रही थी, आज उसका समापन समारोह था। हर प्रतियोगिता के प्रथम द्वितीय तृतीय को पुरस्कृत किया गया, जिसमें आशु भाषण प्रतियोगिता है, चित्रकला प्रतियोगिता है, क्विज प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है। इस प्रकार बच्चों के अंदर किस प्रकार से सृजनशीलता लाई जा सके, तो ब्लॉक लेवल से ये प्रतियोगिता सम्पन्न होते हुए आज राज्य स्तर पर सम्पन्न हुई है। निश्चित रूप से राजस्थान का जो बोर्ड है वह केवल परीक्षा कराने वाला नहीं, लेकिन बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं, विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभाएं हैं, उसको तराशते हुए उसको निखारने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी कई एकेडमिक कार्यक्रमों का आयोजन बोर्ड करता है, तो निश्चित रूप से राजस्थान के 33 जिलों में इस बच्चों में एक सृजनशीलता का भाव जगेगा और यह भी एक मन के अंदर जो प्रतियोगी भाव आएगा, इससे जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने देश और समाज के लिए कुछ करने का भाव भी जागृत होगा। इसके लिए मैं इन बच्चों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बोर्ड को भी अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ कि यह बोर्ड राजस्थान में तो सफलतापूर्वक अपनी परीक्षाएं करवा रहा है और देश के अंदर प्रथम 2-3 बोर्डों के अंदर इसका नाम है। धीरे धीरे इस प्रकार की और गतिविधियों में आगे बढ़ाता हुआ यह बोर्ड अपने बच्चों के अंदर निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करता रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूँ और सोचता हूँ कि निरंतर राजस्थान की शिक्षा जिस प्रकार से आगे नई आयाम छूती जा रही है, बोर्ड में उसमें एक सहभागी बने।